जितने भी एनकाउंटर होते हैं हर एनकाउंटर की मैजिस्ट्रेट जांच होती है। पुलिस से अन्य जो जिला मैजिस्ट्रेट होते हैं वो जांच अधिकारी नियुक्त करते हैं, बाकायदे एक टीम होती है, हर एनकाउंटर की जांच होती है और यदि कोई उसमें दोषी पाया गया या फर्जी एनकाउंटर दिखा पता चला, ऐसे जो पुलिसकर्मी हो या दूसरे जो भी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई ही नहीं होगी उनके खिलाफ 302 का मुकदमा बनेगा, मर्डर का मुकदमा बनेगा। तो इतना ये आसान नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं, खास करके विपक्ष के लोग इस सरकार में अपराधियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है, और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पिछली सरकारों से यदि हम तुलना करते हैं तो बहुत अच्छी है। आज हमारे बच्चे बच्चियां बुजुर्ग जो हैं दूर दूर तक कोई स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, कॉलेज पढ़ने जा रहे हैं, सुरक्षित जा रहे हैं, सुरक्षित आ रहे हैं। व्यापारी लोग जो हैं वो भी व्यापार कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। किडनैपिंग की घटना पहले एक व्यापार बन गया था, वो किडनैपिंग समाप्त हो गई है। अमन है, चैन है, शांति है, ऐसा मुझे सब लोग कहते हैं। मैं गांव-गांव जा जाता हूं, पर ये सवाल पूछता हूं तो अगर, लेकिन ऐसी कोई शिकायत यदि आती है तो मुझे बता दीजिएगा या वहां के जनप्रतिनिधि को, हम उसकी जांच करा देंगे। देखिए वो खाली श्रेय लेना चाहते हैं, 6 दिसंबर 1992 को उनका कहीं अता पता नहीं था, इतने सालों में उनका कभी पता नहीं था, इतने सारे महाराष्ट्र के अंदर चुनाव हुए हैं उनका कहीं अता पता नहीं था, राम मंदिर उन्होंने कभी मुद्दा नहीं बनाया, सिर्फ अखबारों में ये उनके बयान आते रहते हैं। वहाँ पहुँच गए हैं, सबसे पहले उत्तर प्रदेश के वासियों ने एक सवाल हम पूछते थे उनसे कि जो उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश वासी जो बम्बई में हैं, यही शिवसेना उनके साथ मारपीट कर रही है, उनको वहाँ से भगाया जा रहा है, उनको पलायन करने पर मजबूर कर रही है, तो इसीलिए ये केवल श्रेय लेने के लिए दिखावा है। असली जो मुद्दे को उठा रही है वो विश्व हिंदू परिषद, RSS, भारतीय जनता पार्टी।